एक बार फिर से ऋषभ पंत ने अपनी हेल्थ अपडेट, अपनी वापसी की अपडेट, अपनी कमबैक अपडेट दे दी है। क्या कुछ है वो अपडेट, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पांडे। ऋषभ पंत सोशल मीडिया पे बड़े ज्यादा एक्टिव है, भले ही क्रिकेट के मैदान से दूर हैं लेकिन सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। कभी जिम की तस्वीरें डालते हैं, कभी कसरत करते हुए तस्वीरें डालते हैं, कभी वैसे ही खेलते हुए तस्वीरें डालते हैं। बेसिकली सोशल मीडिया पे एक्टिव है। उनको पता है कि फैंस के साथ कनेक्ट करने का सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जबकि आप एक साल से क्रिकेट के मैदान से दूर हैं। अभी रिसेंटली ऋषभ पंत ने एक स्टोरी डाली जिसमें वो साइकिल करते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें ऋषभ पंत बहुत ज्यादा पसीना बहाते हुए नजर आ रहे हैं। लग रहा है कि उनको भी वापसी करनी है। जितना बेताब हम एज अ फैंस हैं उनको देखने के लिए वापसी करने के बाद, उससे कई ज्यादा बेताब वो हैं कि आप वो फैंस के बीच में एक बार फिर से अपना बल्ला पकड़ के लंबे लंबे छक्के मार सके। उम्मीद तो यही करी जा रही है कि ऋषभ पंत आईपीएल 2024 में दिल्ली कैपिटल्स का बतौर खिलाड़ी नहीं बतौर कप्तान हिस्सा होने वाले हैं। डेविड वार्नर का पत्ता कटने वाला है, क्योंकि पिछले साल यानी आईपीएल 2023 में नंबर 9 पे दिल्ली कैपिटल्स ने फिनिश किया था और ये बहुत ही ज़्यादा दयनीय था देखना कि ऋषभ पंत की एब्सेंस में दिल्ली कैपिटल्स बहुत ही बेकार, बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन कर पाई है। अब ऋषभ पंत कसरत कर रहे हैं, पूरी तैयारी कर रहे हैं, जिस तरीके से इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि वो साइकिल कर रहे हैं। ऐसे नहीं लग रहा कि उनको बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो रहा है, ऐसे नहीं लग रहा कि उनको तकलीफ हो रही है, ऐसे लग रहा है स्मूद हो रहा है, स्मूद प्रोसेस हो रही है। जैसे हम लोग एज अ नॉर्मल ह्यूमन बींग हम लोग जैसे साइकिल करते हैं, उसी तरीके से ऋषभ पंत साइकिल कर रहे हैं। लग नहीं रहा कि उनका एक्सीडेंट हुआ था, लग नहीं रहा कि उनको चोट लगी थी, लग नहीं रहा कि उनको कुछ डिस्कम्फर्ट या किसी भी टाइप का डिस्कम्फर्ट हो रहा है। तो उम्मीद करेंगे जल्दी वो वापसी करें, क्योंकि टीम इंडिया को उनकी वापसी का इंतजार है, उनके फैंस को उनकी वापसी का इंतजार है। पहले लग रहा था कि शायद इंग्लैंड के खिलाफ जो 5 मैचेस की टेस्ट सीरीज है उसमें पंत वापसी कर जाएंगे, बट आई थिंक बीसीसीआई उनको थोड़ा सा और टाइम देना चाह रही है, क्योंकि जल्दबाजी करके बहुत ज़्यादा चीज़ें खराब हो जाती है, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इसलिए बीसीसीआई उनको थोड़ा सा टाइम दे रही है, उनको रिकवर करने का थोड़ा टाइम दे रही है, ताकि जब वो आईपीएल में आए तो उसके बाद वो बाहर ना जा पाए, उसके बाद वो कंटिन्यूसली क्रिकेट खेले, उसके बाद ऐसा ना हो कि फिर से वो चोट लग गई है या फिर से कुछ और हो जा रही है चीज़ें। और अभी तो उनको आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, उनको फॉर्म में आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। आप कमेंट्स करके बताइए क्या लग रहा है कि जिस तरीके से प्रोग्रेस हो रही है ऋषभ पंत की, कब वापसी कर जाएंगे आईपीएल में या फिर आईपीएल से पहले? कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।